संजू सैमसन भारतीय विकेटकीपर बैट्समैन जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उन्हें विश्व कप 2024 में एक भी मैच खिलाया नहीं गया। संजू को वर्ल्ड कप 2024 में विकेटकीपर बैट्समैन के तौर पर चुना गया था तथा विश्व कप से पहले उन्हें फर्स्ट चॉइस कीपर भी माना जा रहा था, किंतु उन्हें विश्व कप के एक भी मैच में मौका नहीं दिया गया। संजू को एक ऐसा बैट्समैन माना जाता है जो स्पिन एवं फास्ट बॉलिंग दोनों को अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। फैंस ने संजू को मौका ना दिए जाने पर सोशल मीडिया पर भारी निंदा जताई। हालांकि ऋषभ पंत जो भारत के फर्स्ट चॉइस विकेटकीपर के तौर पर विश्व कप में उतरे, जो कि संजू का कंपटीशन भी थे, उनका भी फॉर्म ऊपर नीचे रहा। संजू को टीम में जगह ना मिलने के कई कारण हो सकते हैं। टीम के लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन को बरकरार रखना हो सकता है उनमें से एक। टीम की प्लेइंग 11 में दो विकेटकीपर का होना टीम बैलेंस को बिगाड़ सकता था। हालांकि संजू को विश्व कप के बाद जिम्बाब्वे के साथ खेली जा रही T20 सीरीज में भी चुना गया, किंतु वेस्टइंडीज से टीम के लेट लौटने के कारण संजू को पहले दो T20 मिस करने पड़े। BCCI ने जितेश कुमार को उनका प्रस्थापन घोषित किया। संजू ने हरारे में भारतीय टीम को ज्वाइन कर लिया है और वो टीम के साथ प्रैक्टिस करते हुए भी दिखाई दिए। संजू के साथ साथ शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया है। संजू के साथ साथ यशस्वी ने भी विश्व कप में एक भी मुकाबला नहीं खेला है। अब देखने लायक बात यह रहेगी कि क्या VVS लक्ष्मण, जो भारतीय क्रिकेट टीम के इंटरिम हेड कोच है, क्या वो संजू को इस सीरीज़ में मौका देंगे या वह इस सीरीज़ में भी सिर्फ डगआउट गर्म करते ही रह जाएंगे।